जो रिटायर्ड है ना उनको एक नई जिंदगी मिल गई है ये T20 लीग्स ने। अब तो रिटायर्ड खिलाड़ियों की भी जिंदगी है वो क्या हो गया वासिद भाई? उन लोगों की, उन रिटायर्ड क्रिकेटर्स की लाइफ अच्छी है जो एक ग्रुप में शामिल हैं। जो उस ग्रुप में नहीं है उसको कोई पूछता भी नहीं है, मतलब उसमें भी ग्रुपिंग है। यानी नो सर वाले एक तरफ है, यस सर वाले एक जी तरफ है। सच है ये ग्रोबंदी है, आपको शोएब अख्तर नजर नहीं आएगा वो उस ग्रुप में नहीं है, आपको राशिद लतीफ नजर नहीं आएगा वो उस ग्रुप में नहीं है, उसमें यूनुस खान नहीं है, यूनुस खान आता है तस्वीर खिंचवाई जाती है वापस भेज दिया जाता है। नहीं तो सर जितने भी लोग अभी नजर आ रहे हैं क्या वो सब ग्रुप का हिस्सा? जी 100% सबके ताने बाने मिलते हैं। अभी ये प्रोग्राम आपका छोटा है, अगर बताऊंगा तो बहुत लंबा चला जाएगा। एक चीज और कहूंगा, जका साहब के बेटे की वजह से के साथ तीन जो जर्नलिस्ट के साथ हुआ है ना, जो अभी ये PSL की जो एक ड्राफ्ट में वो बहुत बड़ी जाती करी है और मुझे हैरत है कि उसके बाद भी मीडिया वाले उस उधर बैठे हुए थे, उन्हें तो वॉकआउट कर देना चाहिए था। मतलब मेरे ख्याल है सुहेल इमरान थे, अपने इमरान अपना समा का है और एक वो है अपना कादिर और इजाज और सुहेल भी है ना, सुहेल इमरान तो जितने भी दूसरे मीडिया वाले थे उन्हें वॉक कर जाना चाहिए था कि जी हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मतलब आप उनको भी कह रहे हैं कि ग्रुप बना के रहो जैसे क्रिकेटर्स ने बनाया। नहीं बनाओ यार, इंसल्ट है, साथ देना इंसल्ट है। मतलब आप किस तरह रोक सकते हैं यार, हाउ कम? क्या उनके कार्ड नहीं बने हुए थे? नहीं, उनका मानना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक अपने कवायद जवाबत हैं और अपने सोचने का अंदाज, अगर कोई उसके मुताबिक उन कवायद जवाबत पर पूरा नहीं उतरेगा तो उसको दाखिले की इजाजत नहीं मिलेगी। आजादी राय हक तो नहीं हुई ना भाई? ये तो मैं आपने बात बोल दी ना, अब मैं वो बात बोलने लगा हूँ जो कोई किसी ने नहीं बोली होगी। आर्मी चीफ साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज इधर भी थोड़ा सा ध्यान दे दें क्रिकेट पे। जो हमारे मुल्क में क्रिकेट के साथ हो रहा है ना, ये ना हो कि अगले एक साल में हमारी टीम फुटबॉल जैसी टीम बन जाए। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप भी पाकिस्तानी है और जो बंदा आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, इसके दिल में पाकिस्तान रहता है। प्लीज 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 कुछ करें। नाज़रीन, एक बहुत अच्छी बात सुनने को मिली है कि वुमेन्स क्रिकेट में भी पाकिस्तान का थोड़ा सा सर ऊंचा हो गया है, और दूसरी बात ये कि साउथ शकील के हवाले से भी काफ़ी अच्छी बातें सुनने को मिल रही है। इस हवाले से आज बात करेंगे। मेरे साथ आज नाज़रीन मौजूद हैं बासित अली साहब, जो जूनियर सिलेक्शन कमेटी के सरबराह, और इसके अलावा वो खुद भी क्रिकेट से उनका बहुत गहरा ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, दूसरी जानिब क्रिकेट की शान, आप सबकी जान, हाफिज इमरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा बहुत शुक्रिया आपका। बासित साहब, आपसे पूछना चाहूँगी कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज आपके सामने है, क्या इजहार करना चाहेंगे? खराब खेले मैच हार के, बस यही कह सकता हूँ, इजहार तो यही करूँगा, लेकिन 30-31 ओवर में आउट नहीं होना चाहिए था। हम बातें करते हैं कि 90 से मतलब जो भी टीम गई हमेशा हारी, बिल्कुल सही बात है। अनफॉर्चुनेटली कहूँ या फॉर्चुनेट कहूँ, 95 में जो टेस्ट मैच जीते थे उसका मैं भी पार्ट था, ठीक है। उस टाइम पे बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच कोई नहीं होता था, फील्डिंग कोच कोई नहीं होता था, हर लड़का उस टीम में अपना खुद कोच था। लेकिन टीम जीती इसलिए कि उसमें मैच विनर भी थे, और माफ़ी के साथ जो जुमला कह रहा हूँ ना वो अजीब होगा, जब पैसे की भरमार इतनी नहीं थी, जब क्रिकेट खेली जाती थी मुल्क के लिए, अब पैसा इतना इन्वॉल्व हो गया है। हमें एक सीरीज़ का जो पैसे मिलते थे ना, वो मेरे ख्याल है एक वनडे के पैसे आजकल मिलते हैं, लेकिन लड़कों का ध्यान पैसे की तरफ ज़्यादा है, क्रिकेट पर कम है, माफ़ी के साथ। सर, हर्षा बोगले ने भी कहा है कि मतलब ये तो एक्सपेक्टेड था कि ऑस्ट्रेलिया इज़ मोस्ट लाइकली टू विन, लेकिन इस तरह से इतनी जल्दी ये रिकॉर्ड सामने आ जाएगा तो वो बड़ा सरप्राइज फील कर रहे हैं। देखें, असल में आप टेस्ट मैच पहले दिन जो लंच हुआ है ना, आप उसमें हार गए थे, जब आपका आपकी तरफ से एक भी आउट नहीं किया बॉलर्स ने, और उसके बाद 487 बने, मेरे ख्याल है 587 बनने चाहिए थे। वो तो आमिर जमाल का अच्छा स्पेल हो गया, रिवर्स हुआ बॉल, तो उस वजह से। लेकिन हमारे यहाँ तारीफ की क्या की जा रही है, शान मसूद बहुत अच्छा खेला, 30 रन करे उसने 42 बॉल्स में, इमामुल हक बहुत अच्छा खेला, 62 रन करे 199 बॉल। ये इंटेंट थोड़ी चाहिए होती है, इंटेंट तो ये होती है जब आप पे क्रिकेट लैंग्वेज में बोल रहे हैं, जब काउंटर अटैक होता है तो आपको भी काउंटर अटैक करना है अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में सर्वाइव करना है।
नहीं करना तो आप इसी तरह तीनों मैच हार जाएंगे। लेकिन भासी साहब, जैसे आपने काउंटर अटैक की बात की है, तो पाकिस्तान के लिए तो क्रीज ऑक्यूपाई करना भी मुश्किल था, तो एक लिहाज से आप समझते नहीं है कि कम अज कम अगर वो भी इंटेंट की तरफ जाते तो पाकिस्तान 100 भी ना कर पाता, 125 पे सारे उठ जाते। आपको याद है ना पाकिस्तान में 3 सीरीज हुई थी, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जी, क्या माशाल्लाह माशाल्लाह पिचेस बनाई गई थी, और हम वहाँ पे भी 2.5 रन के अभी से खेल लेते, तो वो तो हमारा अपना होम ग्राउंड था ना, तो इंटेंट क्या वहाँ पे भी यही थी? ऑस्ट्रेलिया के लिए इंटेंट डिफरेंट होती है हाफिज साहब, वहाँ पे आपको शॉट्स मारने पड़ते हैं, वहाँ पे जो डिफेंस है ना वो शॉट्स है, प्लेइंग शॉट्स। अमूमन जो आप इंटेंट बोले ना इमाम वाली, वो डिफेंसिव अप्रोच है, वो एशिया में तो चल जाएगा, लेकिन जहाँ पे बॉल ऊंचा आता है ना वहाँ पे वो इंटेंट फजूल होती है, वहाँ पे आपको काउंटर अटैक करना पड़ता है, जो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पाया। दूसरी बारी में देखे ना उसने मारे ना, एक मिड विकेट पे मारा जो 3 रन बने, तो वो इंटेंट पहले इनिंग्स में होनी चाहिए, क्योंकि दूसरी बारी में पिच बहुत खराब हो गई थी। हाफिज साहब, एक्सपीरियंस की बात बड़ी की जा रही है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं उनका एक्सपीरियंस वैसा नहीं है जैसा ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स का है, लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है कि जब आप पिच रीड कर लेते हैं बीइंग अ क्रिकेट प्लेयर, आप एक्सपीरियंस नहीं भी हैं तो आपकी इतनी सेंस तो काम करती है ना कि आपने शॉट कैसे खेलनी है। देखिए बात यह है कि ये एक पहलू है पिच रीडिंग का, और ये जो तजर्बा आता है ये आपको वक्त के साथ साथ आता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में जब तजर्बे की बात की जाती है तो लोग ख्वाहिश ये करते हैं और कोशिश ये करते हैं, और एक रिवायत पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद बरसों में ये शुरू हुई है कि आपको तजर्बा उस वक्त इस सूरत में आपको तजर्बा मिलता है कि आप पाकिस्तान टीम के साथ सफ़र कर रहे हों और पाकिस्तान टीम के साथ खेल रहे हों। देखें वो एक मुख्तलिफ किस्म का तजर्बा है, लेकिन जो क्रिकेट खेलने का अपनी आदात को पुख्ता करने का तजर्बा है उसके लिए आपकी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट होती है। आप वहाँ पर वो तजर्बा हासिल करते हैं जहाँ पर आप बार बार एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों गेंदे खेलते हैं, तब जाकर आप तजर्बाकार होते हैं, और फिर वो तजर्बा इंटरनेशनल क्रिकेट में आप इसलिए जाते हैं कि आपने अपने उस तजर्बे को मुंतकल करना है कारकर्दगी में और नतायज में। इंटरनेशनल क्रिकेट इसलिए नहीं है कि आप वहाँ पर जाकर तजर्बा हासिल करें कि किस गेंद को छोड़ना है, किस गेंद को खेलना है, इस जगह पर पाँव ऐसे आएगा, यहाँ ये शॉट खेलनी है, यहाँ ये हिकमत अमली लेकर जानी है, पहला सेशन ऐसे खेलना है। मैं 10 साल यही सीखता रहूँगा कि पहला सेशन कैसे खेलना है, दूसरा सेशन कैसे खेलना है, लेग स्पिनर के ऊपर मेरी हिकमत अमली क्या होगी, मैंने बॉल रीड कैसे करना है। तो बदकिस्मती से पाकिस्तान में जब क्रिकेट अब तनजली की तरफ है, लोग उसको माने ना माने, लेकिन ये सामने नज़र आने वाली चीज़ है कि तनजली की तरफ है, और जिन लोगों की वजह से है वो लोग आज भी अपनी जगह पर मौजूद हैं, जोश और जज्बे के साथ, ज़ोर शोर के साथ, ताकत इकतदार के साथ, इख्तियार और मरतबे पर। तो वो सब लोग तो क्रिकेट को ऐसे ले रहे हैं जैसे बासित भाई ने अभी पैसे की बात की ना, तो ये सिर्फ क्रिकेटर्स की हद तक थोड़ी थोड़ी है, ये जो ऑफिशियल्स हैं ये किस लिए बैठे हुए हैं, ये भी पैसे के लिए बैठे हुए हैं ना। और बदकिस्मती से वो जो देखे पैसा, जब आप एक प्रोफेशनल होते हैं ना तो आपको जितना भी मिले उस पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या जिस काम के लिए आपको जो मुआवजा दिया जा रहा है क्या आप उसके अहल हैं, क्या उसके मुताबिक आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सवाल ये होना चाहिए। और उसका जवाब यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टॉप ऑफिशियल्स जो इस वक्त अपने अपने अहदों पर मौजूद हैं, वो जो भी तनख्वाहें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से माहाना अपनी खिदमात के एवज हासिल कर रहे हैं वो उसके साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। बाज़ तो ऐसे भी हैं जो उसके अहल ही नहीं हैं जिनको उतनी तनख्वाहें दी जा रही हैं। तो ये तजुर्बा जो है ना पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों के हवाले से बात की जाए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स के हवाले से बात की जाए, ये सब बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है, मुल्क के क्रिकेट जो है वो तबाह होती जा रही है, और सब के सब एक कमरे से निकलते हैं दूसरे कमरे में कॉफ़ी का कप लगाते हैं, वहाँ से निकलते हैं एक और कमरे में जाते हैं ग्रीन टी का कप लगाते हैं, वहाँ से निकलते हैं किसी और कमरे में जाते हैं क्लब सैंडविच लगाते हैं, वहाँ से निकलते हैं तो बाहर एनसीए के सामने बैठे धूप में आ जाते हैं किसी कैफ़े के सामने, वहाँ पर बैठ कर कुछ धुआं उड़ाते हैं और उसके बाद घर चले जाते हैं। तो काम तो ये हो रहा है, तो जब ये काम हो रहा होगा तो फिर क्रिकेट का वही हाल होगा जो ऑस्ट्रेलिया में पहले टेस्ट मैच में हुआ है।